हो शहनशाहे। मुरव्वत बड़ा अहम मौजू है ते हाँ बिस्मिल्लाह करा बड़ा अहम मौजू है जड़ा मैं शुरू किया है। नियाज़े हुसैन चौकी तवज्जो तवज्जो याद खोल जैन तुहानू पता है मैं इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करता। मैं अपने हिस्से की नौकरी का जिम्मेदार हाँ। कलाम शुरू किया है मौजू जड़े हैरान होके वेखन लग पे हो क्लियर करिए मौजू भाई जी हो नियाज़े हुसैन कीमत नहीं वल्ला कीमत नहीं मेहरबानी बिल्कुल तुस मेरे दिल की आवाज़ बड़े हो। मुस्तफा का नसब कुछ बंदे लोगों के चक्कर च फस के ते अंगुश्त नुमाई इस हस्ती ते जड़े कर रहे हैं तो कान खोल के सुनन ज्यादा कलमा पढ़ाई जड़ा उंदी भी जद हो गई। बाबा जी चूंकि तुसा उत्थे पहुँच के दुआ दी है मैं गल खोल छोड़िए ताकि बच्चे ही समझन। एक हस्ती कैनात है जैदा अदब कैनात वाजिब जैदी ताजीमी वाजिब जैदी तारीफी वाजिब। लो जनाब इतने मुल्की जाकरा दी मौजूदगी मैं एक फकीर ज जाकिर मैं एक मलंग ज सैयद तनु सानी पेश करा। एक सलवात ऊंची आवाज में चलो एक और बड़ी मुल्क दी वड्डी शख्सियत मौला इन्हां जवानों की जवानी भी सलामत रखे ते ए बख्त भी इवें कैम होता है रामन ते सिलसिले बादशाह चलते रामन जिंदगी दराज उन्होंने मजीद क्लोज करिए ते जाकरां दी इजाफे नाल थोड़ी दाद घटती तो ना वैसी ये काम नहीं करना भाई जाकिर वधदे आवन ते थोड़ी तवज्जो घटती आवे आखसो तो मैं इतनी फजाइल ते छोड़ दसा लेकिन कहता गफलत आला चेहरा वो मैनू वारे च नहीं। और चूंकि मौजू इतना कमाल है कि ये बिच त मजीद परवाजा कर सानी सुन लाए शह जिसको सारे का सारा जमाना झुके जिसको सारे का सारा जमाना झुके वो भी सारे का सारा है मेरान का। मालिक जिंदगी रखी ए जी ऐसी है ये एनर्जी आती है तो बजुर्ग चलो अगर कुछ थकी थकी दाद रेंदे ही बैठे तो बच्चा तो अजे बिल्कुल फ्रेश है ना। तो शेर बजुर्गों के दाद है जिथे जिथे बजुर्गों की दुआ बड़ी मजीद मार्फत वाली बड़ी कमाल होती है। अगे अजे भी कोई पूछे कि कौन अबू तालिब कौन इमरान तो मैं सैयद मिंबर शबीर थे मुतमैन जाकिर हाँ जैन दाद थोड़ी होवे चौखी होवे मैं उससे मुतमैन हो वेना लेकिन वास्ता ही अपने पीर अली दी मोहब्बत अली दे बाबे दे मुतालिक जरा कलाम सुने गया
ਸਾਰੇ ਫਲੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ औलाद अबू तालिब नू इतना मारिया जिंदगी उन्हें भाई भाई अशरफ की मोहब्बत ही इतनी है, अज़दार ही इतना कमाल है, अल्हम्दुलिल्लाह कदी कमी इतने जाकर दी हुई नहीं। मालिक जाकरीन की भी खैर करे जड़े इतना एहसास कर दिन ते सारे तब घर इन्हों बड़ा पुराना निजाम है। दमत साकबत नालन पीर बड़े वड्डे बाप दे बेटे, किताब दे विच एक पूरा बाप है जिंदा उनवान ही है औलाद अबू तालिब। करबला च जड़े लाशे पए हैं इस टाइम दा मुहर्रम दे इस टाइम तकरीबन हर पासे लाशे ही लाशे हैं। सादात भी मौजूद हो, गैर सादात भी सारे मुकानी हो, शिया सुन्नी, तो ये जितना खून ये करबला दी खाके शिफाए ये जड़ा बिखरा पे आई ना, अगर कलमा पढ़ने वाले हो सैयद दी मन मनो तो ये खून अबू तालिब दा आई। हो अच्छा कुदरती ये वक्त की कैफियत वेख के ये टाइम वेख के हुक्म कुछ हो रहा हूं, लेकिन वो फिर लंबेड़ हो गए सी नालन पीर थोड़े दादा जान एक बंद पढ़ते हैं इस टाइम नो वेख के मेरे जहन च उही आ रही है। मैं चाहना कि थोड़ी झोलियों पा देव जो बंद आ देना कि डा मुहर्रम ते रोमन मुक्का क्यों नहीं, डामी दे बाद ये गिरी जारी क्यों है। तो बजुर्ग जाकिर ये जवाब एक बात खसूसन बाबा साबिर शाह जी आदि कि लोग कलमा पढ़ के डामी दी पेशी तई नबी दी औलाद नूं कूठा है। अशरफ इतने बड़े जुमले के बाद भी अगर जाकर मिन्नत करके हाय करावनी है तो बाबा मेरे तस एक बात नहीं समझ आती। पुराने नौकर आए हाय ओ जड़ी जिगर तड़पे ते हाय निकले पेशी तई यहूदियां नहीं ईसाइयां नहीं कलमा पढ़ पढ़ के लोगां आल नू कुठे जनाहे की थी वत लाशा नू लुटा ने। अगले लफ्ज का तल्लुक नशिया नाले सुनी नाले हर गजूर इस लफ्ज से उदा कले जा हलता है। पहले कुठा ने वत लाशा नू लुटा ने ओ मुकानियो ते वत खैमा नू अग लाई ने। किथाई अग लगे ना बंदे पुछते कि केड़े टाइम लगी मुशाहदे की गल इस गल जरा समझे तो वत मातम हाथ आपे उठी सी अग केड़े टाइम लगी जड़ा जानता होवे वो जवाब देता है। क्या बात है साहिब दी जड़ी कैफियत आ ली है वत सवाल आता है कि बुझी केड़े टाइम मुतासिर अल्लाह मान अल्लाह मान यानी पूरे इलाके का मजमा गल समझ लिया ना
कि बंदे अग दे लगन का टाइम ही पुछते सवाल पैदा होते कि वजह मेहरबानी बंदे लगन ते बुझण दा टाइम वेख के ते उन्हां गरीबां दे नुकसान दा अंदाजा करे हुण पुछ सैयद जड़ी करबला डामी दे दी लावण दे टाइम जड़ी लगी उदे लगन दा टाइम केड़ा है उदे बुझण दा केड़ा है हुण शहर दी मजबूरी समझाए कि लगन का टाइम तो लिख सकता है जरा बुझण का लिखण लगे उदे कलम की मजबूरी के बड़ी ताई ता बाबा सरकार बाबा सरकाम शाह जी दे भी वाले ओ पढ़ते हैं लगी अस लुटदा नक्शा तो समझ बजुर्गा के सरंग च लुटदा नक्शा पढ़े कि जना तस्बी का धागा त्रुटे जिमें ते जेड़े दाने का जिन्हें रुख होवे इया कैफियत आई मामा दे हथों बाल निखड़े जैदा जिन्हें मुंह आया है ताई ता लिखा ने गए बाल बानी मजलस है मातम तेरा हक है सोना की तई लेकिन हिक्का नुकता ते सलाम सदात मुमनीन किबला जिस इमाम नु भी मनसब इमामत मुंतकिल होया है शाला मैं गल समझा लवा तक उस कोल कहे ना कहे इमामत दा पहला मसला पूछा है कोई मिंबर ते आई कोई मुसल्ले ते आई कोई मसनत ते आई लेकिन मेरे चौथे इमाम दी अपनी किस्मत अलमा दी कसम है कम मस पढ़ छोड़ा केड़ा मसला आ देखने ने हे चा चाहे पर्दा